बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉर्डर है, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, इस तरह का बॉर्डर मैंने कभी क्रॉस नहीं किया। और अब मैं बफर जोन में हूँ और आगे तुर्की वाले होंगे। ऑल फ्रेंड देसी बेल्जियम गाय को ऑल फ्रेंड सब्सक्राइब करने की, सब्सक्राइब कर दो बेल्जियम देसी गाय, सब्सक्राइब कर दो भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, एक नए ब्लॉग में आपको खुश आमदीद करता हूँ। अभी प्रोग्राम ये है कि यहाँ से लिमासोल साइप्रस से अभी निकोसिया के लिए निकल रहा हूँ, बस लेनी है, और निकोसिया से आगे तुर्की नॉर्थ साइप्रस जाने का प्रोग्राम है, बॉर्डर क्रॉस करेंगे और एक रात वहाँ पे रहने का प्रोग्राम है, और कल फिर वापस इस साउथ साइप्रस आने का प्रोग्राम है। तो अभी 10 मिनट में बस आने वाली है निकोसिया की, यहाँ से मुझे तकरीबन 1 घंटा 30-40 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो लेट्स गो। जी व्यूअर्स, निकोसिया की बस में बैठ चुका हूँ। निकोसिया जो है वो साउथ साइप्रस का कैपिटल है और नॉर्थ साइप्रस का भी कैपिटल निकोसिया ही है, और निकोसिया का आधा शहर इस मुल्क में है और आधा शहर जो तुर्की वाला साइप्रस है उसमें है। तो मुझे अभी इस मुल्क के निकोसिया जाना है और वहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ साइप्रस के निकोसिया में जाना है, और आज रात वहीं पर रहने का प्रोग्राम है। शाम होने वाली है तो मेरा ख्याल वहाँ तक जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, तो लैंडस्केप जो रस्ते में आई आपको भी दिखाते हैं, और अगर कुछ नज़र आया या कुछ वीडियो बना सका तो आपको बॉर्डर क्रॉसिंग की भी दिखाऊंगा। Check the mic and make sure it sound right, boys. जी व्यूअर्स, साउथ साइप्रस की ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊं कि जो इंटरसिटी बसेस हैं वो बहुत चीप हैं। जो मैं पाफोस से लिमासोल गया था तो वो तकरीबन 1 घंटे 1.25 घंटे का सफ़र था, जिसके मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 यूरो पे किए थे, और अब लिमासोल से निकोसिया जा रहा हूँ, इस ये सफ़र है 1.5 घंटा तकरीबन प्लस माइनस का सफ़र है, और इसकी टिकट इस बस की है सिर्फ़ और सिर्फ 5 यूरो, तो ये बहुत सस्ता है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। अभी जो साउथ निकोसिया सिटी है उसमें हम दाखिल हो रहे हैं, स्टॉप पे पहुंच गई है बस, यहाँ से मुझे अब आगे ढूंढना है कि आगे कैसे जाना है, यहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर। तो व्यूवर्स, ये है यहाँ का बस स्टॉप और सिटी सेंटर भी है, और ये नीचे बहुत खूबसूरत सा प्लेन है ना, और कोई परे मैंने तो हम बैठ के जा पाए उन लोगों। तो व्यूअर्स, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं, यहाँ पे एक स्ट्रीट है जिसका नाम है लिद्रा। तो ये स्ट्रीट आप चलते चलते आगे बढ़ रहा जाएगा, वो पहले इनका साउथ साइप्रस का होगा, आगे फिर एक बफर जोन होगा थोड़ा सा, जो नॉर्थ साइप्रस जो तुर्की के अंडर आता है उनकी इमिग्रेशन होगी, और उसके बाद वही स्ट्रीट जो आगे है वो नॉर्थ साइप्रस में चली जाती है। तो अभी मैं उस स्ट्रीट के बिल्कुल पास हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉर्डर है, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, इस तरह का बॉर्डर मैंने कभी क्रॉस नहीं किया, तो चले। और ये है भी यूरोपीय यूनियन और नॉन यूरोपीय यूनियन कंट्री के दरमियान, तो आपको पता है कि जो साउथ साइप्रस है वो यूरोपीय यूनियन में है, जबकि नॉर्थ साइप्रस जो है वो यूरोपीय यूनियन में नहीं है,
तो नॉर्मली इधर कंट्रोल होना चाहिए स्ट्रिक्ट किस्म का, या फिर कम से कम जब उधर से इधर आते हो तो फिर तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। लेट्स फाइंड इट आउट। ये हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब घूम रहे हैं। तो व्यूवर्स ये है लिद्रास स्ट्रीट, चेक इट आउट। ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, शॉप्स हैं, और ये एक आम सी गली है। 3-4 मिनट की वॉक पे आगे चेक पोस्ट बनी हुई है, उसी को बॉर्डर बोलते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है लिद्रास आउटलेट, तो यही स्ट्रीट का नाम है लिद्रास। हॉलैंड बैरेट, ये जो हम कभी कभी हॉलैंड का शहर स्लोई से उधर जाते थे तो वहाँ पे इस तरह की दुकानें बनी हुई हैं, हॉलैंड बैरेट्स। वहाँ पे वो जो विटामिन्स वगैरह और दवाइयाँ और साबुन और शैम्पू और सारा कुछ एक ही दुकान में मिल जाता है, ये वैसी दुकान थी। जी नाज़रीन, अभी बॉर्डर पे पहुँच चुका हूँ, वो सामने है बॉर्डर। वो आपको लोग नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे चेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के जाने वाले। ये बॉर्डर है, तो ये लाइन लगी हुई है और वो सामने बैठे हुए जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आगे भेजेंगे। एक मिनट लगा उन्होंने मेरा आईडी कार्ड देखा और मुझे आगे जाने दिया, और अब मैं बफर जोन में हूँ और आगे तुर्की वाले होंगे, वही सड़क आगे भी जा रही है। सो गाइस, गेस व्हाट, आई एम इन नॉर्थ साइप्रस। ये था तुर्की साइड का कंट्रोल, और ये तुर्की साइप्रस, अमेजिंग है ना। वही सीट आगे जा रही है, वैसी ही दुकानें हैं और वैसे ही रेस्टोरेंट हैं। वाओ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस है, इस तरह का बॉर्डर क्रॉस करना। कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आईडी कार्ड दिखा है और जाने दिया, ग्रीस वालों ने भी और तुर्की वालों ने भी। और ये कबाब हाउस है, मैजिस्टिक कबाब हाउस। तो यहाँ से उन्होंने कहा था कि 5 मिनट की वॉक है हॉस्टल तक के लिए, तो इस तरफ है हॉस्टल। मैंने अभी एक दुकानदार से पूछा, शाम हो चुकी है और यहाँ पे भी कुछ दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, और ये है भी वीकडे इसलिए शायद इतनी गहमा गहमी नहीं है, वीकेंड पे शायद ज़्यादा रश हो यहाँ पे। और एक मज़े की बात, मेरे पास यहाँ का लीरा एक भी नहीं है। ये कैसीनो है यहाँ पे, और वहाँ पे एक्सचेंज है, मिल गया मिल गया। ये है मेरा हॉस्टल, बस कंपेंशन। तो व्यूवर्स, मैं होटल पहुंच गया हूं, पहले आपको रूम दिखाता हूं। ये है मेरा रूम नंबर 11। ये छोटी सी विंडो है और एक विंडो उधर है, ये पंखा लगा हुआ है, और ये है बेड, दैट्स इट। और इसके पे किए है मैंने 20 यूरो एक रात के लिए। ठीक है, 20 यूरो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जगह भी आप देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ जो हैं और बाकी चीज़ें सारी कॉमन होंगी मेरे ख्याल में।
सो गाइस, लॉन्ग टाइम अगो, बड़ी देर के बाद अजान सुन रहा हूँ यहाँ पे तुर्की में स्पीकर में। जी व्यूवर्स, अभी नॉर्थ ऑफ साइप्रस निकोसिया सिटी में वाकया हूँ। यहाँ पे मुझे अपने बंगाली भाई मिले हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहीं पे रहते हैं। अब उनसे कुछ यहाँ की लाइफ के बारे में पूछते हैं और सुनते हैं उनको कि कैसी है ये लाइफ। मेरा नाम आमिर हुसैन, 2019 साल में मैं आया, लेकिन इधर पे 2 साल मेरा इंश्योरेंस नहीं दिया और इसलिए ओटेफार भी अच्छा नहीं हो गया। बाद में धीरे धीरे और दूसरा कंपनी में गया, इंश्योरेंस मिलता रहता है, अभी कंपनी में काम करता है और एक बेस्ट मार्केट में काम करता रहता है, सुपरमार्केट जो अच्छा है। अभी पहला टाइम में सिचुएशन अच्छा नहीं था, इधर का लैंग्वेज सारे वर्ल्ड से एक्साइटमेंट लेकर गया ये लैंग्वेज में। तो आप बांग्लादेश से इधर आए, तो यहाँ के और बांग्लादेश के कल्चर में आपको फ़र्क क्या मिला? ये मुस्लिम कंट्री तो है ना? ये तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इधर का कल्चर, दो कल्चर है इधर, इधर का क्रिश्चियनी और तो मुस्लिम, दोनों का कल्चर अलग अलग है, लेकिन इधर का जो है ना लैंग्वेज डिफरेंस है, इसलिए लैंग्वेज डिफरेंस है। इंग्लिश के साथ नहीं मिलाता, अरबी के साथ नहीं मिलता रहता है, ये उर्दू के साथ नहीं मिलता रहता है, और हिंदी बंगाली किसी को साथ ये लैंग्वेज नहीं मिलता है। ये लैंग्वेज में हर दिन चलता रहता है, जो लैंग्वेज है ना वो लैंग्वेज आती है तो और रास्ता सीधा हो गया, ईजी हो गया, ज़्यादा ईजी हो गया, लेकिन लैंग्वेज आसान नहीं हो गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया इधर भी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने थोड़ा वक्त दिया हमें, हमारे व्यूअर्स के साथ आपने बात की। ये उनके साथ एक और भाई हैं, वो भी बंगाली भाई हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बात भी करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप अगर आप एग्री हो तो आपकी यूट्यूब पे ये इंटरव्यू छोटा सा होगा, वो आप आ जाएगा। तो आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम अरमान, मोहम्मद अरमान, मैं एक रेस्टोरेंट से काम करता है। स्टूडेंट वीजा? रेस्टोरेंट? नो, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में काम? रेस्टोरेंट, वर्क परमिट आया। अच्छा, वेरी गुड। और यहाँ पे कब से हैं? एक साल से। तो आपको साइप्रस कैसा लगा, लैंग्वेज कितनी आती है साइप्रस? काम मिला तो साइप्रस अच्छा है, काम नहीं मिला तो वेरी प्रॉब्लम कंट्री। हाँ, लैंग्वेज 50% आती है, 50% हार्ड। एक साल में 50% आपको आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। तो आप सेटिस्फाई हैं कि आप इधर आए? अगर कोई आना चाहे तो उसको क्या आप मैसेज क्या दोगे? उसको साइप्रस ऑल न्यूज़ लेके जो अच्छा लगता है तो आया, नहीं तो प्रॉब्लम। भाषा लैंग्वेज नहीं आती है तो हार्ड प्रॉब्लम। तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं फिर? फर्स्ट प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं आता है तो कुछ कंपनी काम नहीं मिला। हाँ, काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता है, साइप्रस आए तो हम लोग काम करने, काम नहीं मिला तो साइप्रस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक आपकी तरह या इस भाई की तरह जो इधर हैं अभी, वो एक माह में कितने कमा लेते हैं, कितनी सैलरी है? मिडिल सैलरी बांग्लादेशी 60,000 नॉर्मली 60,000। तो 60,000 कितने यूरोस में बनते हैं? यूरो 500 यूरो प्लस। हाँ, 500 यूरो। तो 60,000, ये तो एक अच्छी सैलरी है मेरे ख्याल में। अच्छी सैलरी है बट काम मिला तो अच्छी सैलरी, काम नहीं मिला तो सैलरी किधर से आया। और अभी आप एक साल से इधर हैं तो बांग्लादेश को मिस करते हैं? ऑल टाइम बांग्लादेश मिस। तो क्या मिस करते हैं अभी, खाना वहाँ का, फैमिली या खाना, कोई?
दोस्त कल्चर फैमिली ऑल। तो फिर आप क्यों आए इधर अगर मैं पूछ सकता हूँ तो आप थोड़ा सा बताना चाहें तो। मैं आया थोड़ा पैसे कमाने के लिए। आया फैमिली को सपोर्ट करने, फैमिली को सपोर्ट करने की आया। चलें जी, मेरी दुआ है अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की हिम्मत दे। ऑल फ्रेंड देसी बेल्जियम गाय को ऑल फ्रेंड सब्सक्राइब करने की, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो आप दोनों से एक और क्वेश्चन है कि अभी मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, इस साइप्रस के बारे में, निकोसिया के बारे में। मेरे पास एक ही दिन है, कल मुझे वापस जाना है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ मस्ट देखने वाली है? ये सिटी में एक मस्जिद भी मिलता है और एक दो म्यूजियम भी मिलता रहता है, और जो कुछ कैमा खाली है ना उधर में जो पार्क है ना, पार्क भी देखता रहता है, और म्यूजियम मिलता है सारे शहर में। इधर के पुराना, ज़्यादा पुराना है, उस्मानी साम्राज्य का जो हाल हकीकत है ना वो वाला देखता रहता है। इधर भी कहाँ पे? इधर भी मस्जिद है, एक बड़ा मस्जिद में, मस्जिद में। तो नाज़रीन, यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी मस्जिद है, वहाँ पे उस्मानिया दौर की काफ़ी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। तो यही तो देखने आया हूँ, तो फिर कल मस्जिद तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ज़रूर विज़िट करें। आई विश यू गुड लक सबको, गुड लक, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। बेल्जियम देसी गाय सब्सक्राइब कर दो भाई, सारे आदमी मिला के उसको सब्सक्राइब कर दो। तो ये यहाँ पे थोड़ी दूरी आगे एक पाकिस्तानी भाई हैं, उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। इनके पास फ्राई की हुई कलेजी है और रोटी है। तो आप भी अगर यहाँ पे आएँ तो इनके पास आके खाना खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये यूनिक बॉर्डर क्रॉसिंग आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।